नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ कपूर, आई सर्जन, आकाश आई हॉस्पिटल, अहमदाबाद। दोस्तों, खुशियों का त्यौहार दीपावली हमारे नज़दीक है और हम उसे मनाने के लिए पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दौरान हमें कितने सारे फ़ोन कॉल्स या केसेस आते हैं जिसमें पटाखों की वजह से आँखों की और फेस की स्किन की इंजरीज होती है। ऐसे केसेस में छोटे बच्चे और बड़े दोनों को हो सकता है। आज मैं आपको ऐसी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जिसमें यदि ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमारे आसपास हो तो हम क्या कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, पटाखों से होने वाली इंजरी यानी कि फायर क्रैकर इंजरी के मेनली दो प्रकार होते हैं। पहला, सुपरफिशियल बर्न्स, जिसमें पटाखों से निकले हुए बहुत ही मल्टीपल फॉरेन बॉडीज, डस्ट और स्मोक हमारी फेस की स्किन पर, आँखों की आईलिड की स्किन, आईलैशेस और काली किकी यानी कि कॉर्निया और सफ़ेद चमड़ी यानी कि कंजक्टिवा के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। इसमें बहुत सारे मल्टीपल फॉरेन बॉडीज़ होते हैं जो हमारी आँख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें तुरंत ही कोल्ड वाटर वॉश यानी कि ठंडे पानी से हमारी आँखों को धोते रहना है। ये वॉश करने का प्रोसीजर 3 से 5 मिनट तक मिनिमम हमको करना चाहिए। याद रखिए, इस दौरान हमें आँख को बहुत बार बार मसलना नहीं है। यदि हमारे पास घर पे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या कोई भी लुब्रिकेटिंग यानी कि आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप्स अवेलेबल हो तो हमें वो डालने चाहिए और इसके बाद हमें नज़दीकी आई डॉक्टर का तुरंत ही संपर्क कर लेना चाहिए। आई सर्जन हमारी जली हुई चमड़ी को ऊपर से निकाल के साफ कर देते हैं और नई चमड़ी का लेयर 5 से 10 दिनों में वापस आ जाता है। ऐसे केसेस में यूजुअली रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। याद रखिए, फेस के बर्न के लिए दी गई ऑइंटमेंट को कभी भी अपने आँख के अंदर अप्लाई ना करिए। आँख में वही दवा का इस्तेमाल करिए जो आपके आई के डॉक्टर दे। दूसरी प्रकार की इंजरी है पेनिट्रेटिंग इंजरी, जिसमें पटाखों की वजह से निकले हुए नुकीले पदार्थ फॉरेन बॉडीज हमारी आँख को यानी कि काली किकी और सफ़ेद चमड़ी को पियर्स करके आँख के अंदर चले जाते हैं। यहाँ ये हमारी कॉर्निया को डैमेज करते हैं, लेंस को और पर्दा यानी कि आँख का रेटिना उसको भी डैमेज कर सकते हैं। ऐसी इंजरी में हमें कॉर्नियल टेयर, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट या रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। ये इंजरीज में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और हमें हमारे डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क कर लेना चाहिए। ऐसे केसेस का नॉर्मली विजन पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है और आँखों को पहुँचा हुआ नुकसान शायद लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। तो दोस्तों, हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि पटाखे हमेशा खुली जगह में जलाएं, जिससे वो ना ही हमें या किसी और को नुकसान पहुंचा सके। छोटे बच्चे हमेशा बड़ों के सुपरविजन में ही पटाखे जलाएं। जहां भी पटाखे जलाते हैं वहां पे कोल्ड वाटर वॉश कर सके, इसलिए पानी की बाल्टियां हमेशा अवेलेबल हो। जहां भी पटाखे जलाते हैं वहां पे कोल्ड वाटर वॉश करने के लिए 3 से 4 कोल्ड वाटर बकेट्स हमेशा अवेलेबल हो। हो सके तो छुट्टियों के दौरान हमारे पास एंटीबायोटिक और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स अवेलेबल रखें। नज़दीकी आई डॉक्टर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास संपर्क में रहे। बच्चे जब भी पटाखे जलाएं तो सफ़ेद प्रोटेक्टिव ग्लास पहनकर ही जलाएं, जिससे आँखों को इंजरी होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। याद रखिए, आँखों की फायर क्रैकर इंजरी का सबसे अच्छा मैनेजमेंट आपका आई डॉक्टर ही कर सकता है, तो जल्द से जल्द उनका संपर्क करें। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दीपावली। थैंक यू।